दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह INCTV की खास पेशकश मामा तो गयो में आपका स्वागत करता हूं। मामा तो गयो का जो ऐलान मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, वही ऐलान अब खुद माननीय मोदी जी करने लगे हैं। वो कैसे, ये समझने के लिए पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर आप अपनी नजरें इनायत कीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की चुनावी रैली में माननीय मोदी जी ने जमी पाताल एक कर दिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। सपने में सता रही कांग्रेस का नाम 57 मिनट के भाषण में 41 बार ले लिया, लेकिन मामा का नाम नहीं लिया, नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं। गलती से भी मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी नाम नहीं लिया, जुमलेबाजी में भी उनका जिक्र तक नहीं किया, इस लायक भी उन्होंने मामा को नहीं समझा। मतलब समझ रहे हैं आप, एक और वाक्य से इसका मतलब समझ लीजिए। मामा चुनावी मौसम में सियासी वादों की बरसात कर रहे हैं, एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान, महिलाओं के लिए अलग, किसानों के लिए अलग, छात्रों के लिए अलग, लेकिन मोदी जी ने मामा जी के एक भी चुनावी वादे को सामने रखकर जनता से वोट नहीं मांगा। अब तो इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो तो उसे बीजेपी के इस इलेक्शन सॉन्ग को सुनकर दूर कर लीजिए। 4 मिनट 13 सेकंड का इलेक्शन सॉन्ग जारी किया है बीजेपी ने। वीडियो में शुरू से आखिर तक बस मोदी ही मोदी, मामा पर एक सुरताल नहीं, एक मामा मल्हार भी नहीं, मामा का दीनहीन चेहरा एक दो जगह जरूर दिख गया है, लेकिन वो भी माननीय मोदी जी के पीछे पीछे किस अंदाज में। छोड़िए, मोदी जी भले ही मामा के मान सम्मान को मटिया मेट करने का मन बना चुके हों, लेकिन INCTV हर किसी के मान सम्मान का ख्याल रखता है। चलते चलते एक और वाक्य से मध्य प्रदेश की मोदी जी राजनीति में मामा की हैसियत समझ लीजिए। मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनावी रण में खबर लिखे जाने तक 5 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, विधानसभा के चुनावी मैदान में। अपने महासचिव और खासम खास कैलाश विजयवर्गीय को भी मुकाबले में भेज दिया है, कहने के लिए कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए, लेकिन हकीकत में मामा को निपटाने के लिए। तो अब जब मोदी जी ही मामा को निपटाने में लग गए हैं, तो फिर जनता जनार्दन तो और जोर से ही कहेगी, अब की मामा तो गयो। नमस्कार।